पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 बीएचके 2 बीएचके और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 एकड़ 7 स्टोरी 6 टावर में बना है विच बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। महेश दामोदर खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास से सटे बंजारा बस्ती में कुछ युवक नशा करने के बाद स्थानीय लोगों को परेशान किया करते थे, जिसके बाद आज बंजारा समाज के लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि शैलेश नगर के ऊपर मुमरा बाईपास से लगा हुआ ये बंजारा बस्ती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर बंजारा समाज के लोग रहते हैं, मगर कुछ दिनों से नशा करने वाले युवक लोगों को परेशान किया करते थे और आखिरकार तंग आकर बंजारा समाज के लोग मुमरा पुलिस स्टेशन शिकायत लेकर पहुंचे और बताया जा रहा है कि 2 युवकों को बंजारा समाज के लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आपका क्या नाम है? अनुसाया। क्या हुआ था आपसे? यहाँ पे किस जगह पे? ये शैलेश नगर है, बंजारा क्रांति मंडल है, हमारा मंदिर बन रहा है जय सेवालाल महाराज का, तो इधर माता रानी का भी है, सब लोग बच्चे लोग खेलते हैं इधर स्कूल से, अभी छुट्टे या संडे है करके सब लोग जमा हो गए बच्चे लोग, रोज का ही है ये, लेकिन आज तो ज्यादा ही हो गया है। क्या हुआ था आपसे? क्या हुआ है? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे बच्चों लोग के साथ हुआ है, चरस गांजा पी रहे थे वो लोग, कुछ खेल रहे थे वो लोग, में वो लोग आया, बाहर के लोग है, वो लोग आके बोलते हैं निकलो इधर से, हम लोग को खेलने दो नहीं तो तुम लोग को मारेंगे, धमका रहे हैं बच्चे लोग, 3-4 लोग थे, तो बच्चे लोग गए तो मारामारी भी हो गई, तो हम लोग कंप्लेंट गए, तो मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, हम लोग कितनी बार कंप्लेंट जा चुकी है हमारी, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, मुमरा पुलिस का बहुत नाम है, तो मैं यही इससे पूछ रही हूँ उनसे। कितने बार आपने कंप्लेंट किया? बहुत बार हो गए, इतना बहुत बार हो गया कंप्लेंट, वो लोग यही तो वो लोग को बढ़ावा है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाती है हमारा, ये इसी बात का बढ़ावा है वो लोग को, ये भी बात बोल के गया है, अगर तुम लोग मेरा नाम लिया मैं जेल जाके छूट के आऊंगा, फिर बाद में देख लूंगा, पता नहीं उसको बंद करेंगे पकड़ लेंगे छूट के आएगा तो किसको मारेगा किसको क्या करेगा, अभी देखो ये हमारा मंदिर है खुला है, बच्चे लोग छोटे बड़े आके बैठता है खेलता है, तो अभी उन लोग की डर बैठ गई हम लोग को, तो हम लोग जियेंगे सुखी उनसे क्या, उनके डर से हम लोग घर में ही बैठा रहे, ये भगवान का मंदिर है, इसके पास में कोई भी गुनाह करे उनको पाप है, मगर वो लोग को पाप नहीं है, वो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे। नाम, नाम, नाम। मेरा मानी भाई राठौड़ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीता भाई राठौड़। क्या हुआ यहाँ? यही सुन रहे बेटा, आता है धन पाता है, बच्चे लोग स्वाप लेके आता है धन पाता है, हम लोग बोले तुम आता है, कितने लोग रहते हैं? कितने लोग होता है? बहुत लोग आते हैं, हम रहे हैं, कोई भी आता है, विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बात पर कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे घर में लड़की बच्चे घर पे रहते हैं, लोग सुबह 9 बजे काम पे जाते हैं, शाम को 6 बजे आते हैं, कल का दिन बच्चे लोग को कुछ हो जाएगा, हमारी जवान जवान लड़की लोग रहती है कुछ हो जाएगा तो हम लोग किसको पूछेंगे, पुलिस के अलावा कुछ किसी को नहीं पूछ सकते हम लोग, इसके लिए पुलिस से हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, जो हमारा एरिया का नगर सेवक है उसको भी हम लोग हाथ जोड़ कर विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, हम लोग गरीब लोग है, हमको बहुत तकलीफ है, वो हमारे एरिया के नहीं है, लेकिन एरिया अगर 2-3 जन है तो उसको लाते हैं, लेकिन वो लोग भाग के गया, हम लोग पकड़े फिर भी निकल गया, अभी फिर भी हमारे भाई लोग को फोन करके धमकी दे रहे कि हम लोग आके और मारेंगे, आज कंप्लेंट हो गई है, फोन करके नंबर लिया है जिसने मेरे बेटे से और धमकी दे रहा है कि तू बहुत गलत कर रहा है, समझ ले अभी मेरे बेटे को छह हजार मैं किसको पकड़ूंगी भाई, आप लोग जवाब दो, चाकू लेके घूमते हैं वो लोग का कोई आगे पीछे हो नहीं होगा, लेकिन हम लोग का तो है, हमारे मेहनत है, हम लोग
सुबह भागते शाम को आते कि हमारे बच्चे ठीक रहे, हमारी पूरा एरिया शुद्ध रहे। पूछेंगे हम लोग, कल कुछ हो जाएगा तो किस पर पकड़ेंगे? और वो लोग बोलते कि तुम लोग पहले क्यों नहीं लिया ऐसा, लेकिन हम लोग बोल रहे पहले से कंप्लेन भी किया, फिर भी वो लोग आते बैठते और हम त्योहार के दिन ही ध्यान दे आते बोले ना, वो लोग आगे इधर चौरस गांजा करते है, बच्चे लोग को बोलते कि सिगरेट ला के दो, हम लोग को ये ला के दो, बच्चे लोग नहीं जाएंगे तो लोग मारते है, अगर बच्चे खेलेंगे तो ब्याज छीनते है, ब्याज से बच्चे को मारते है और फुल नशे में रहते वो लोग। और बोलते है की गली में बैठे रहते दरवाजे के सामने, पानी का तकलीफ है हमारे एरिया में, रात को पानी आता है 1-2 बजे, लेडीज लोग पानी को लिए उठ के डर जाते हैं बैठे कि तो कोना पकड़ लेंगे, वो कोने में छुपा रहता है, ऐसे ऐसे गली गुली में बैठे रहते हैं वो लोग, गांजा पीते हैं, होश नहीं रहता वो लोगों, अभी भी जो दो लोगों को लेके गए वो लोग को होश नहीं है, पुलिस घुस देख रही है, होश नहीं है वो लोग को, नशे में कुछ दो बार मेरे घर से तो चोरी हो गई है, बहुत सा बात भी मैं कंप्लेन करके वो लोग दिन भर देखते हैं, रात को काम करते हैं, वैसा चोरी करने का कौन पानी भरने जा रहा है, कौन उन लोग का दरवाजा खुला रह रहा है, ये देख के वो लोग घुसते हैं। कितना सहन कर चले हम लोग, हम लोग को बहुत तकलीफ है, पुलिस हम लोग को मदद करो, पुलिस भी और नगर सेवक लोग भी जो भी हमारे एरिया के, हम गांव हम लोग मजदूर लोग है, हम लोग सुबह से शाम तक हम लोग भागते हैं काम धंधे के लिए, हमारे बच्चे की सेवा करने के लिए, हम लोग नहीं है कि दिन भर